वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीजी वेब इंजीनियर्स। डीजी वेब इंजीनियर्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट बाय डीजी वेब इंजीनियर्स। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि होस्टिंग और डोमेन कैसे आपको परचेज करना है, परचेज करने के बाद वर्डप्रेस को कैसे आपको इंस्टॉल करना है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद फिर आपको क्या उसके ऊपर थीम सेलेक्ट करनी है, थीम सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या इंपॉर्टेंट प्लगइन्स होते हैं वो अपडेट करने हैं प्लगइन्स में जाके, फिर उसके बाद हम थीम सेलेक्ट करेंगे, थीम सेलेक्ट करने के बाद फिर हम उसको करेंगे एडिट विद एलिमेंटर। तो ये जो सारा प्रोसेस है ये आज हम प्रैक्टिकल सीखने जा रहे हैं, क्योंकि काफी सारे जो मेरे यूजर्स थे उनको डाउट था कि सर एक बार शुरू से हमको बता दीजिए। तो ये बेसिकली वीडियो जो है मैंने स्टेप बाय स्टेप बनाई है। वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट के प्लेलिस्ट में जाके पूरी ट्यूटोरियल देख सकते हो, पूरी स्टेप बाय स्टेप मैंने उसको गाइड किया है, उसमें गाइड किया है, और आप उसमें जाके सारे प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सेशंस आप मेरे ले सकते हो, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, एंड टू एंड है। तो दोस्तों, वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगी। वो बातें क्या है? पहली चीज तो आप वेबसाइट किसके ऊपर बनाने जा रहे हो, आपको डोमेन कौन से डोमेन के ऊपर लेना है, कौन से बिजनेस, कौन से इंडस्ट्री के ऊपर लेना है, ये आपको सबसे पहले सोचना पड़ेगा। तो दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डोमेन खरीदने से पहले आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, आप डोमेन जो भी परचेस कर रहे हो वो डोमेन आपको ये ध्यान में रखना है कि वो किस इंडस्ट्री के क्या रेलेवेंसी रहेगी, क्योंकि जो डोमेन आप परचेज करने जा रहे हो तो उसका ये भी ध्यान में रखना है कि वो क्लाइंट के लिए बनाने जा रहे हो या अपने खुद के लिए बनाने जा रहे हो, या ब्लॉगिंग स्टार्ट करना जा रहे हो, या फिर अपनी इंडस्ट्री के बारे में बनाना चाह रहे हो, या फिर जहां पे जॉब करते हो उनके लिए बनाना चाह रहे हो आप। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो डोमेन को क्या करना है, डोमेन को आपको ये ध्यान में रखना है कि वो मैचिंग हो उस बिजनेस से। मान लीजिए कि इंडस्ट्री है और उसकी वेबसाइट नहीं बनी है, तो आपको क्या करना है, आपको उसी इंडस्ट्री के रेलेवेंट ही उसी का नाम आपको सर्च करना है। ये प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि नाम कौन से प्लेटफॉर्म पे सर्च किए जाते हैं, या गोडैडी पे सर्च करना है, या आपको होस्टिंगर पे सर्च करना है, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। तो ये सारी जो ट्यूटोरियल्स हैं ये सारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, और ये कम से कम 8 से 9 वीडियो है, इन वीडियो में जाके आप स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें देख सकते हो। तो दोस्तों, जैसा कि मेरी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, आज का हमारा टॉपिक था वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट। तो दोस्तों, सबसे पहले होता है टेबल ऑफ कंटेंट। सबसे पहले आपको क्या करना है, डोमेन मेन सोचना है कि डोमेन कौन सा परचेज करना है। तो दोस्तों, डोमेन परचेज करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा और डोमेन के बारे में। डोमेन जब भी आप खरीद रहे हो तो सबसे पहले गोडेडी या होस्टिंगर पे जाके आप चेक कर लो कि वो डोमेन अवेलेबल है कि नहीं है। .com अवेलेबल है, .in अवेलेबल है, .us अवेलेबल है, .in अवेलेबल है, ये चीजें आपको चेक करनी पड़ेगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, क्लाइंट जो मांग रहा है वो चीजें नहीं मिलती है, हो सकता है वो किसी ने ऑलरेडी परचेज कर रखा हो, और डोमेन जितना छोटा होगा उतनी जल्दी वो गूगल पे रैंक हो सकता है। तो ये भी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। डोमेन खरीदने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा। होस्टिंग तो मिल जाती है, होस्टिंग तो किसी भी डोमेन के साथ आप अटैच कर सकते हो, लेकिन दोस्तों आपको ये ध्यान में रखना है कि वो डोमेन अवेलेबल है कि नहीं है। फिर आपको डोमेन और होस्टिंग एक साथ परचेज करना है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको जब डोमेन होस्टिंग आप परचेज कर लेते हो होस्टिंगर से, फिर आपको क्या करना है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है वन क्लिक में, क्योंकि वर्डप्रेस उसी के अंदर आता है होस्टिंग के अंदर। तो आप इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करने के बाद फोर्थ जो प्रोसेस है वो आपको थीम इंस्टॉल करनी है। थीम मैं 2 सजेस्ट करूंगा, पहली है प्लॉक्स, PHLOX, ये थीम्स में जाके आप सर्च कर सकते हो। दूसरी थीम है आपकी रॉयल एलिमेंटर किट। रॉयल एलिमेंटर किट में क्या है, काफी सारी फ्री टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, टेम्पलेट्स को जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, इंपोर्ट फाइल कर सकते हो। फिर आपको क्या करना है, अगर उसके अंदर एलिमेंटर अवेलेबल है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आपको जाके एलिमेंटर इंस्टॉल करना पड़ेगा, वरना एलिमेंटर प्रो जो है वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। गूगल पे इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल, गूगल पे वो फ्री अवेलेबल है। फिर आपको क्या करना है, एडिट पेज करना है। ये मेरी वेबसाइट है, वेबसाइट आप विजिट कर सकते हो। क्या करना है, आपको गूगल ओपन करना है। गूगल पे ओपन करने के बाद आपको टाइप करना है होस्टिंगर प्लान। गूगल पे जाके जैसे ही आप लिखोगे होस्टिंगर प्लान तो आपके सामने प्लान अवेलेबल होंगे, तो आप इस पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद इसके नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको सबसे पहले ये बोलता है चूज योर वेब होस्टिंग प्लान। तो सबसे पहले प्रीमियम है, फिर बिजनेस है, फिर क्लाउड स्टार्टअप है। तो सबसे पहले मैं आप फ्रेशर हो तो प्रीमियम प्लान से स्टार्ट कर सकते हो, आप बिजनेस प्लान ले सकते हो,
अगर आप एक्सपर्ट लेवल पे हो तो क्लाउड स्टार्टअप ले सकते हो। प्रीमियम के कुछ फीचर्स हम देख लेते हैं, जैसे 149 रुपीज ये पर मंथ चार्ज कर रहा है, उसमें क्या क्या फीचर्स दे रहा है। टॉप फीचर्स इसके हैं स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, 100 GB डेटा दे रहा है, SSD वीकली बैकअप दे रहा है, अनलिमिटेड फ्री SSL दे रहा है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ दे रहा है, फ्री ईमेल्स दे रहा है, फ्री डोमेन दे रहा है 699 तक। फिर बेसिक दे रहा है वूकॉमर्स ऑप्टिमाइजेशन, फ्री ऑटोमेटिक वेबसाइट माइग्रेशन, फ्री वन क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन, वर्डप्रेस एक्सेलरेशन, वर्डप्रेस ऑटो अपडेट, वर्डप्रेस स्कैनर, वर्डप्रेस मल्टी साइट, WP CLI SSJ ये भी आपको दे रहा है। के साथ आपको दे रहा है नो कोड वेबसाइट बिल्डर, ड्रैग एंड ड्रॉप वेबसाइट बिल्डर दे रहा है, AI वेबसाइट क्रिएशन दे रहा है, 150 डिजाइन क्राफ्टेड टेम्पलेट दे रहा है, गूगल एनालिटिक्स इंटीग्रेशन दे रहा है, मार्केटिंग इंटीग्रेशन दे रहा है, AI कॉपीराइट टूल दे रहा है, AI हीट मैप्स दे रहा है, AI SEO टूल्स दे रहा है, और 0% ट्रांजेक्शन फी दे रहा है। तो आप ये ले सकते हो। अगर आप फ्रेशर हो, नई जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो ये वाला प्लान आपके लिए सबसे बेस्ट है। सर्विस सपोर्ट में 30 डेज मनी बैक गारंटी है, 99 अप टाइम गारंटी है, ग्लोबल डाटा सेंटर है, 24/7 कस्टमर सपोर्ट है आपके पास। फ्रेशर हो और आप कुछ भी नहीं जानते हो तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि ये प्रीमियम प्लान ही आप सब ले। प्रीमियम प्लान जब आप लोगे तो ये आप होस्टिंग ऐड टू कार्ट जैसे ही करोगे, फिर आपके सामने ये ऐसे बोलेगा यू आर ऑलमोस्ट देयर, कंप्लीट योर ऑर्डर। आपने प्रीमियम वेब होस्टिंग, ऑल इन वन सॉल्यूशन, 100 वेबसाइट, ये जो चीजें वहां पे दिखा रहा था वही चीजें यहाँ दिखा रहा है। अब आपको ये बोल रहा है चूज ए पीरियड, मतलब ये कितने, वो बोल रहा था कि ये मंथली है 149 रुपीज, तो अब आपको या साल भर का लेना है, 2 साल का लेना है, 3 साल का लेना है, ये आपको डिसाइड करना है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको जैसे मान लीजिए कोई एड कैंपेन चलाना है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, जैसे कि आपको टेलीग्राम चैनल प्रमोट करना है, तो आप 1 महीने का ले सकते हो। 1 महीने का लेने के बाद तो दोस्तों अब ये क्वेश्चन आता है कि ये होस्टिंग खरीदने के बाद हमको तो वहां पे बोल रहा था 699 का एक डोमेन फ्री दे देगा, तो दोस्तों वो 1 साल के लिए है। अगर 1 साल के लिए अगर आप लेते हैं तब वो 699 का आपको एक डोमेन दे देगा, लेकिन अगर आप 1 महीने के लिए लेते हैं तो डोमेन अलग से आपको परचेज करना पड़ेगा। तो मैं 1 मंथ कर लेता हूँ। अगर आपको सिर्फ सीखने सीखने के लिए चाहिए तो 1 मंथ का आप ट्रायल पीरियड ले सकते हैं, नहीं तो अगर आपको प्रैक्टिस ही करनी है, क्लाइंट के भी बनाने हैं, तो 12 महीने का ले सकते हो, या अगर आपको और बिजनेस को बढ़ाना है, अगर आप वेबसाइट में ही घुसना चाह रहे हो तो 24 मंथ्स का ले सकते हो आप। तो 1 मंथ का फॉर एग्जांपल मैंने सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए बोलेगा, फिर आपको पेमेंट गेटवे करने के लिए बोलेगा, इसमें टैक्सेस भी होते हैं, तो 106 रुपए ये टैक्स भी ले रहा है। तो टोटल आपको 1 महीने का ये जो सिर्फ और सिर्फ होस्टिंग प्लान जो है 695 का पड़ जाएगा। होस्टिंग प्लान 695 का पड़ने के बाद भी आपको डोमेन खरीदने पड़ेगा, क्योंकि ये 1 महीने का है। फिर मेरे से अगर आप सोचते हो कि 12 महीने का है तो उसमें 699 का डोमेन मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। 699 अगर वो डोमेन की कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो आपको पे करना ही पड़ेगा। तो फिर अगर आप जैसे सोचते हो कि 699 उसमें माइनस करके दे देगा, ऐसा भी नहीं है। जो डोमेन 699 के अंदर आते हैं उसी डोमेन को आप परचेज कर सकते हो। 699 रुपए से अगर 1 भी रुपया ऊपर बढ़ता है तो आपको उसका टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा, कुछ भी माइनस नहीं होता है इसमें। तो दोस्तों अगर आप 12 महीने का लेते हैं तो कितना पड़ रहा है हमको, 239 से 2868 रुपीज का पड़ रहा है, जिसमें टैक्स इंक्लूडेड है 516 रुपए, तो ये 3000 समथिंग का साल भर का पड़ जाएगा, जिसमें आप क्या कर सकते हो, 100 वेबसाइट तक होस्ट कर सकते हो। 100 वेबसाइट मतलब आपको बार बार डोमेन ही नहीं खरीदना पड़ेगा, डोमेन का पैसा आपका बच जाएगा, मतलब आपको होस्टिंग का पैसा बच जाएगा, आप डोमेन कितने भी अनलिमिटेड खरीद सकते हो 100 तक। डोमेन का कॉस्ट देना पड़ेगा, आपको होस्टिंग का बार बार कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा, ये चीज नोट कर ले। बाकी यहां से सबमिट करने के बाद आप होस्टिंग खरीद सकते हो। होस्टिंग खरीदने के बाद फिर क्या करना है, होस्टिंग जैसे ही आप खरीद लोगे तो आपका कुछ ऐसा आएगा, प्रीमियम वेब होस्टिंग, यहां से फिर आप मतलब यहां पे आपका होम पेज इस तरीके से आ जाएगा आपका। आपका परचेज करने के बाद जैसे ही आपने परचेज कर लिया तो यहाँ पे आपका ऑर्डर लग जाएगा, ईमेल नोटिफिकेशन आपके मेल पे आ जाएगी, प्लस आपके पास व्हाट्सएप भी अगर आपने यहाँ पे पुट कर रखा है नोटिफिकेशन के लिए, तो आपके पास व्हाट्सएप मैसेज भी आ जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन मेल भी आ जाएगा आपके पास। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको डोमेन खरीदना है, मतलब आपने होस्टिंग तो खरीद लिया है, आपको डोमेन में जाके डोमेन सर्च करना है पहले कि वो अवेलेबल है कि नहीं है। यहाँ पे गेट ए डोमेन में जाके यहाँ पे आपको ढूंढना है। फॉर एग्जाम्पल मैं सर्च करता हूँ डिजिटल इंजीनियर्स, और हाँ ध्यान रखें बीच में स्पेस नहीं आना चाहिए। अब इसमें हम .com लगा के देखते हैं,
अल्टरनेट भी बता देगा अगर .com अवेलेबल नहीं है तो। जैसे ही मैंने सर्च पे क्लिक किया तो यहाँ पे अगर अवेलेबल है तो ठीक है, जैसे कि ये आपके सामने लिखा है डिजिटल इंजीनियर्स डॉट कॉम, ये ऑलरेडी टेकन है, मतलब ले रखा है ये किसी ने, लेकिन ये बोल रहा है कि ये सारे भी अवेलेबल है इसके साथ साथ, डॉट नेट, डॉट को, डॉट इन, डॉट शॉप। कितने रुपए के हैं? ईयरली 89 रुपीज का ये, डॉट शॉप 75 रुपीज का ये। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, फॉर एग्जाम्पल आपने प्रीमियम आपने खरीदा है, 100 वेबसाइट होस्ट करने वाला प्लान खरीदा है, तो इसमें ये चीज ध्यान रखनी है कि मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा था होस्टिंग आपको बार बार नहीं खरीदनी है। तो मतलब अगर मान लीजिए डिजिटल इंजीनियर्स डॉट शॉप ये कोई क्लाइंट के लिए फॉर एग्जाम्पल अवेलेबल है ये, और क्लाइंट को अगर आप बता भी देते हो कि डिजिटल इंजीनियर डॉट शॉप अवेलेबल है 89 रुपीज का, तो इसका मतलब आपका खर्चा जो है वो 89 रुपीज है, क्लाइंट को आप 6,000 रुपए चार्ज बोल सकते हो, जिसमें आपका होस्टिंग का पैसा बन जाएगा, यानी पूरा प्रॉफिट आएगा। मतलब 89 रुपीज माइनस करने के बाद जैसे मान लीजिए आप क्लाइंट से 6,000 रुपए स्टैटिक वेबसाइट के चार्ज करते हो, तो आपके पूरे पूरे पैसे बच जाएंगे और 2 दिन में वेबसाइट रेडी होके तैयार हो जाती है। वही चीज हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली सिखाएंगे। तो मान लीजिए ये मैंने ले लिया, तो यहाँ से जैसे ही बाय डोमेन करेंगे क्या होता है, इसके बाद होस्टिंग क्या करता है, होस्टिंगर आपको पूछेगा सवाल, जैसे आपने ये डोमेन बाय कर लिया फिर आपसे बोलेगा वर्डप्रेस इंस्टॉल, तो आपको क्लिक करना है, सिंगल क्लिक में वर्डप्रेस जो है आपकी इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉल होने के बाद वो कैसा दिखाई देता है मैं दिखा देता हूँ आपको। फिर वो इस तरीके से आएंगी, जैसे कि मैं इस डोमेन पे जाता हूँ, मैनेज पे क्लिक करता हूँ, तो आपका सारा डोमेन ओवरव्यू, डीएनएस नेम सर्वर, डोमेन ओनरशिप और आपकी वेबसाइट कनेक्ट, इसमें मेल आईडी भी आपको मिल जाती है अनलिमिटेड है, जो बाकी डोमेन इंफॉर्मेशन रहती है कि एक्टिव है, एसएसएल भी इस पे एक्टिव है, वेबसाइट सिक्योरिटी भी है, डोमेन नेम सर्वर। हाँ, डोमेन नेम सर्वर के बारे में हम लोग एक बार ब्रीफिंग ले लेते हैं। मान लीजिए जैसे कि आपने डोमेन जो है वो गोडैडी से खरीदा है और जो होस्टिंग होस्टिंग है वो आपकी होस्टिंगर पे है, तो आपको क्या करना है होता है, डीएनएस को अपडेट करना होता है, मतलब इसका जो डोमेन है और जो होस्टिंग है होस्टिंगर से जो आपने परचेज कर रखी है, इन दोनों को आपको लैच करना पड़ता है, इन दोनों को आपको जोड़ना पड़ेगा। तो डीएनएस में जाके वो आपको नेम सर्वर जो है वो पार्किंग करने पड़ते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एड रिकॉर्ड करना होता है, जैसे कि मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो डोमेन नेम सर्वर जहां से आपने डोमेन लिया है गोडैडी से, गोडैडी वो आपको बता देगा कि ये डीएनएस है और ये कोड्स हैं, उसके कोड उठा के आप यहाँ पे मैनेज डीएनएस रिकॉर्ड्स में जाके ऐड रिकॉर्ड कर सकते हो। तो वो क्या है, वो जो डोमेन है जो गोडेडी से आपके आपने परचेज किया है वो लैच हो जाता है आपके होस्टिंगर के होस्टिंग अकाउंट से, ठीक है। तो क्या होता है, डोमेन जो है वहां से पार्क हो जाएगा आपके होस्टिंग प्लान से जो आपने होस्टिंगर से ले रखा है। तो दोस्तों हम होम पेज पे आते हैं, होम पेज पे जैसे कि मैंने क्लिक किया मैनेज पे, मैनेज पे वेबसाइट कनेक्ट यहाँ पे लिखा रहा है, तो मतलब वेबसाइट इसमें कनेक्टेड है तभी वेबसाइट कनेक्ट लिखा रहा है। अगर आपको इसमें वर्डप्रेस, तो आप वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे एडमिन पैनल पे, जैसे ही आप एडमिन पैनल पे आएंगे आपका वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जब फर्स्ट टाइम आप परचेज करते हो तो ऐसा ही लिखा आता है एडमिन पैनल, तो जब आप एडमिन पैनल के बटन पे क्लिक करेंगे तो वहां पे लिखा आएगा कि वर्डप्रेस इंस्टॉल, तो आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल पे क्लिक करना है, वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। ये 1 मिनट का टाइम लगाता है इंस्टॉल होने में, इंस्टॉल होने के बाद आपका कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो दोस्तों अब क्या करना है, सबसे पहला हमारा स्टेप होता है कि आपको अपीयरेंस में जाना है, अपीयरेंस में जाने के बाद आपको थीम्स में आना है, ये स्टेप आप नोट भी कर सकते हैं। थीम्स में आने के बाद आपको क्या करना है, ऐड न्यू थीम पे क्लिक करना है, ऐड न्यू थीम्स पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे लिखना है THLOX, एक तो ये थीम है, ये देखिए मेरी आ गई है, ऑलरेडी एक्टिवेटेड है मेरी वेबसाइट पे, और दूसरी वेबसाइट का नाम है रॉयल एलिमेंटर किट, ROYALELE, आप रॉयल ईएलई भी लिखेंगे तो वो फर्स्ट में ही आ जाएगी। आप इसको इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो, इसको भी एक्टिवेट कर सकते हो। तो जैसा दोस्तों ब्लॉक्स मेरा इंस्टॉल्ड है तो हम उसी पे ही ट्यूटोरियल ले लेते हैं। ब्लॉक्स जैसी एक्टिवेट करोगे तो आपको वो 2-3 स्टेप्स पूछेगा, वो 2-3 स्टेप्स में आपको क्या करना है, आपको सिर्फ थीम सेलेक्ट करनी है, थीम जो आपको फ्री वाली जो अच्छी दिखाई दे रही है वहां से आप सेलेक्ट करने के बाद, मैंने जैसे कि ये वाला सेलेक्ट किया है तो मेरा है ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना है, एडिट विद एलिमेंटर ध्यान देना है और फुटर और हेडर ध्यान देना है। तो दोस्तों अगर आपको फुटर ऐड करना है तो ये अपर पार्ट जो होता है, सबसे ऊपर जो पार्ट होता है ये वाला,
ये जो ब्लॉग्स बिजनेस लोगो जहाँ पे पुट होता है उसको बोलते हैं हेडर। हेडर अगर आपको एडिट करना है तो एडिट विद एलिमेंटर में जाके आपको हेडर पे क्लिक करना है। बाकी जो सबसे डाउन में होता है वो होता है फुटर, ये वाला फुटर। अगर आपको ये चीजें अपडेट करनी है, चेंज और डिलीट करनी है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसमें फुटर में क्लिक कर सकते हो। फुटर में क्लिक करने के बाद सिर्फ फुटर वाला पार्ट खुल के आ जाएगा। तो एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। जैसे मैं हेडर में आता हूँ, मुझे हेडर अपनी वेबसाइट का चेंज करना है, मतलब लोगो अपडेट करना है। बाकी लोगो जो है आपको रिमूव बीजी से ही अपलोड करना है। रिमूव बीजी की जो वेबसाइट है वो ये है, रिमूव डॉट बीजी। आप यहाँ पे अपने लोगो को अपडेट कर सकते हो, उसका जो बैकग्राउंड होगा वो सारा रिमूव हो जाएगा। तो मेरे पास ऑलरेडी इस पे मैं क्लिक करूंगा, एडिट लोगो। तो दोस्तों आप क्या कर सकते हो, राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको अपलोड करना है, तो अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे ऐसे क्लिक कर दोगे, इमेज एक अपलोड करोगे, यहाँ पे इमेज ऐसे क्लिक कर दिया। इमेज में जाके आपको चेंज इमेज में जाना है, फिर अपलोड में आना है, सेलेक्ट फाइल करना है। सेलेक्ट फाइल में जाने के बाद मान लीजिए ये मेरा लोगो है, तो इसको मैं क्लिक कर दूंगा, इसको सेलेक्ट कर लूंगा। अब दोस्तों ये काफी बड़ा सा दिख रहा है, तो इसको छोटा मोटा छोटा भी हम कर सकते हैं, थंबनेल साइज में भी ला सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों ये हो गया। अब बाकी आपको अगर हम नंबर चेंज करना है तो नंबर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको कॉलर्स का आ जाता है, आप यहाँ से नंबर भी चेंज कर सकते हैं। ये मैंने नंबर चेंज कर दिया। बाकी यहाँ पे सोशल प्लगइन्स भी हैं, तो फेसबुक है, पिंटरेस्ट है, यूट्यूब है, इनके सारे के लिंक आप अपलोड कर सकते हो यहाँ पे। इस जगह आप आपके जो भी सोशल मीडिया पेजेस हैं उन पेजेस को आप यहाँ पे उनके लिंक अपडेट कर सकते हो, ताकि कोई भी यूजर आता है आपकी वेबसाइट पे विजिट करता है, आपका फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल चेक करना चाह रहा है, तो यूट्यूब चैनल पे यहाँ पे लिंक डाल दें आप। तो ये लिंक डालने के बाद आपको फिर क्या करना है, हमेशा आपको अपडेट करना है इस तरीके से। तो दोस्तों ये मेरा पार्ट कंप्लीट हो गया।